और फिर गर्मी बहुत है, एसी नहीं है इस वाले रूम में, तो बिना गर्मी बिना एसी बिना फैन के शूट करना पड़ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट इट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू ईवी शर्मा व्लॉग। और आप हैं ईवी शर्मा चैनल पे, तालियां, वाओ, व्हाट अ सरप्राइज ब्रो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरी एक्साइटमेंट है। बट एनीवेज, सो आज का वीडियो इज नॉट अ व्लॉग, इट्स अ वीडियो वीडियो। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे रिलेटेड टू यूट्यूब चैनल, यूट्यूब का कुछ भी आपकी कोई क्वेरीज है, आप जानना चाहते हैं हाउ यू कैन स्टार्ट योर चैनल, हाउ यू कैन ग्रो इट, व्हाटएवर क्वेश्चन इट इज, तो वो सारे क्वेश्चंस पे आज मैं आंसर करने वाली हूँ। दो मैं खुद बहुत बड़ी स्टार नहीं हूँ यूट्यूब पे, आई डू नॉट हैव 100K सब्सक्राइबर, बट सून, एंड आई एम नॉट लूजिंग दैट होप कि मुझे नहीं होने वाला है। मैं वो धीरे धीरे ना स्लो एंड स्टेडी वाले सीजन में चल रही हूँ, कछुआ चाल, कि मेरे को जॉब भी करना है, मुझे चैनल भी चलाना है, मुझे इंस्टाग्राम भी चलाना है, आई वांट टू अर्न मनी फ्रॉम देयर, वहाँ से भी पैसा आ जाए, वहाँ से भी पैसा आ जाए, हर जगह हाथ मार लो, बिकॉज यार यू नेवर नो कब कहाँ चल जाए, आपका सिक्का कब चमक जाए, ठीक है। तो मेरा कुछ ऐसा ही चलता है। तो ज़्यादा बक बक ना करते हुए आपके जो इतने सारे क्वेश्चन आए वो मैंने लिख लिए ऑलरेडी मेरी डायरी में। सो ये क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम पे आए हैं, कुछ क्वेश्चंस मुझे यूट्यूब के कमेंट्स में मिले हैं, कुछ क्वेश्चंस मेरे को स्वाति ने पूछे थे, कुछ क्वेश्चंस मुझे वहाँ अरुणाचल के भी कुछ लोगों ने पूछे हैं। सो ऑल इन ऑल आई गॉट सम टोटल 15-20 क्वेश्चंस जो रिपीटेडली थे, तो उनको एक ही बार ले लिया है मैंने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, एक्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, When did you get idea to start YouTube vlogs? Okay. तो ये कब आया ऐसा आइडिया ब्लॉग बनाने का? तो जैसा आप लोगों को पता है कि आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, अगर आप मेरे पुराने वीडियोज में देखोगे और बहुत नीचे जाओगे तो आपको सबसे पहले वीडियोज मेरे डांस वीडियोज दिखेंगे। तो आई एम नॉट अ गुड डांसर, बट मेरे को एक वो शौक था डांस वीडियोज बनाने का, तो मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे डांस वीडियोज बनाने के लिए, जस्ट टू गेन, एक तो मेरा हॉबी था, पैशन था डांस, क्योंकि अपन नाचने वाले लोग हैं तो हमारा वो चलता है, मैंने डांस वांस करना स्टार्ट किया। एंड इनिशियली आपको एक अर्निंग के लिए या फिर कुछ के लिए आपको एक व्यूज भी आने चाहिए ना, कुछ ऐसा। सो आई स्टार्टेड कि हाँ यार वीडियो शौक शौक में डालना स्टार्ट किया डांस वीडियोस, देन लेटर ऑन वो ऐसा था डल रहा है। फिर मुझे आइडिया आया कि ये हुआ है 24 हो गया ना अभी, 21 में अक्टूबर में मेरा जो फर्स्ट व्लॉग है, इसने ये भी पूछा विच वॉज योर फर्स्ट व्लॉग, तो मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था डुगू के बर्थडे का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था। और ये कोई आइडिया ऐसे ही नहीं आ गया, मुझे लगा कि मेरे अभी डांस करते करते वीडियोज पे व्यूज आ रहे हैं, फॉलोअर्स आ रहे हैं, सो अब अर्निंग के लिए आपको ना थोड़ा कंटेंट ज़्यादा देना पड़ता है, और सॉन्ग्स में जब मैं डांस करती थी तो सॉन्ग्स में कॉपीराइट हो जाता था, तो आपको कहीं ना कहीं व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन आपका जो इनकम है वो जनरेट नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि व्लॉग बनाते हैं, और लोगों के व्लॉग चैनल भी बहुत ज़्यादा हिट हो गए थे तब तक, तो हम लोग तो मैं तो बहुत ही लेट हूँ इन सब चीज़ों में। बट देन आई स्टार्टेड थॉट कि 21 में लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स डू दिस, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट व्लॉग वॉज नॉट दैट गुड, ऑफकोर्स धीरे धीरे होता है सब कुछ, तो मैंने भी ऐसे स्टार्ट कर लिया था। तो फर्स्ट व्लॉग था डुगू का, ये भी क्वेश्चन है बाय द वे। So, which was your first and when? So, when Dugo का birthday आता है 16 October को, but हमने उसको 1st October को surprise birthday plan किया था, तो 1st October 2021 में का maybe हमारा first vlog होगा। फिर how many views did you get on your first vlog? Okay. So, I don't remember that कि मेरे को कितने vlog पे video vlog पे जो first vlog था उस पर views आए थे, but I think कि मेरे को उस time पे 500,000 तो आ ही गए थे, और अभी शायद क्योंकि बहुत नीचे, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा आई डोंट नो, तो 1,000-1,500-2,000 तक तो व्यूज होंगे ही उस पर, देख के बता देना। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी व्यूज डिड यू गेट ऑन योर, ओके हो गया, हाउ डू यू हैंडल हेट कॉमेंट्स? ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन जो हर एक, आई गेस
हर एक यूट्यूबर को, हर एक इंस्टाग्रामर को, हर एक कंटेंट क्रिएटर को, या फिर हर एक एक्टर को, हर एक डायरेक्टर को, जितने भी लोग हैं नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम द आउटसाइड ऑल्सो, हेट कॉमेंट्स तो आते ही हैं भाई. प्रियंका चोपड़ा का एक डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो डायलॉग से मैं बहुत मोटिवेट भी होती हूँ कि गाइज आप कुछ भी अच्छा कर लो, देर विल बी समवन जो कभी खुश नहीं हो सकता. देर विल ऑलवेज अनहैप्पी पीपल अराउंड यू और आपको क्रिटिसाइज करने के लिए. सो दैट्स देयर जॉब एंड लेट्स अस डू आर जॉब. तो कॉमेंट्स आते हैं, ये बहुत पहले ना इनिशियल डेज में मुझे फर्क पड़ता था कि लोग लिखते थे कुछ भी लिखते थे यार, कुछ भी अभी भी लिखते थे, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे कुछ भी लिखते हैं कि शेमफुल है, पेरेंट्स नहीं है साथ, हाउ शी वेयर क्लॉथ्स, कपड़ों के ऊपर कोई पॉइंट आउट कर रहा है, कैरेक्टर के ऊपर करता है, आई डोंट नो व्हाई, ये सब के चीज़ों पे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं. बट देन इनिशियल डेज में इनको बहुत फर्क पड़ता था, मैं इनिशियली कमेंट्स डिलीट कर देती थी इंस्टाग्राम से. आई डू रिमेम्बर दैट लोग लिखते हैं क्या गंदा है, ओवर एक्टिंग करती है, कुछ भी बोलती है. गाइस यही हूँ मैं, आपको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है, आप देख रहे हो बिकॉज यू आर द. और मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारे हेटर्स होते हैं ना, जो हमें ऐसे लिखते हैं और जो ओवर एक्टिव, वो कमियां ढूंढने के लिए हमारे ब्लॉग देखते हैं राइट. बट वो जो ब्लॉग देख रहे हैं उनके एक व्यू से गाइज आई एम गेटिंग मनी, आई एम पेइंग, दे आर पेइंग फॉर माई जो भी वट एवर आई एम डूइंग. सो मुझे ऐसा लगता है कि वो हेटर्स ही हमारे सबसे बड़े फैन है ब्रो. तो इट्स ओके, इट्स डैम ओके. तो मुझे अच्छा लगता है वो कमेंट, मुझे को फर्क नहीं पड़ते, कुछ मोटिवेशनल ऐसे कोर्स मिल जाते हैं. आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रियंका चोपड़ा. सो उसके उनके जो अभी कभी आप उनके मोटिवेशनल स्पीचेस देखोगे या मोटिवेशनल कोर्स देखोगे ना, तो वो इतना मोटिवेट करते हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड उनके वर्ड्स, तो आप समझोगे कि भाई लोग को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं है, लोग अपने ही दुख में है और दूसरे के दुख को और दुख दे सकता है, वो ऐसे है भाई, हम तो खुश है ही नहीं तो वो सामने वाला खुश क्यों रहे. कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो जो हेटर्स हैं वो ऐसे ही हैं, वो तो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे, तो लेट्स डू हेट कमेंट्स एंड दैट्स ओके. मेरे घर के लोग नहीं है, मेरे घर के भी हो, मेरे को खाना नहीं दे रहे, आई एम लाइक रिलेटिव्स अगर है तो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे रिलेटिव्स ही होते हैं जो आपके फैमिली में ही ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि भाई वो खुश नहीं है देख के आपको, और कुछ देखना भी नहीं चाहते हैं, तो वो लोग भी ऐसे कुछ कुछ कमेंट्स करते हैं. बट दैट्स ओके, दैट्स देयर जॉब and this is my job, what I am doing right now. मुझे वीडियो बनाना पसंद है, मुझे फेम चाहिए and I'm getting that and I am also earning from this. This is my hobby to be on camera. तो I'm not on like, मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं कोई वीडियो शूट नहीं किया मैंने, बट आई लव इट. वट आई एम, वट एवर आई एम डूइंग, आई एम इन लव विद दिस और आई एम हैप्पी. तो फर्स्ट थिंग अगेन ज्ञान बांट देती हूँ कि प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. आप अगर खुद को प्रायोरिटाइज करोगे, आप अपने बारे में सोचोगे, यू विल नॉट थिंक अबाउट द पीपल व्हाट दे आर सेइंग. सो वो हेट कमेंट्स जो वो लोग कर रहे हैं तो वो मैटर ही नहीं करेगा. एंड ज्यादा लंबा हो गया हेट कमेंट पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, डू यू गेट एंग्शियस आफ्टर अपलोडिंग. तो इनिशियली जब मैं पोस्ट करती थी अभी व्लॉग्स या वीडियोज, तो मुझे ना ऐसा होता था, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि कितना व्यूज आ गए, ऐसा नहीं है, तो एंग्शियस मतलब कि मुझे ऐसा होता है कि यार कितने अपलोड हो गए, अब कितने व्यूज आए, क्या कमेंट है, ऐसा अभी भी होता है. मैं स्क्रॉल करके देखती हूँ कि व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, एंड आई नो कि एक कांस्टेंट व्यूज पे हैं अभी हम, कि कुछ 1,000, 2,000, 3,000 व्यूज आ जाते हैं, कोई वीडियो अच्छी चलेगी तो 5-10,000 भी चले गए. फिर कॉमेंट्स आते हैं लोगों के, कुछ अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, कुछ ज्यादा बुरे होते हैं जो मुझे लगता है मेरे फैमिली वाले देखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे घर में मेरे भाई, मेरे मॉम मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, तो जब वो ये सब देखेंगे तो मुझे अच्छा, मतलब वो पढ़ेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, तो वो कमेंट्स मैं डिलीट भी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, बट यू नो मॉम डैड के लिए करना पड़ता है तो मैं वो कर देती हूँ. और एंक्शियस होते हैं भाई, हम भी होते हैं, मेरे को देखना होता है कि बार बार कितने व्यूज आ गए, कितने कमेंट आ गए, यार ओके ओके जल्दी देख लो. मैं इंस्टाग्राम पे भी देखती हूँ बाय द वे, तो वो चलता रहता है. स्टोरीज का तो एक्चुअली काउंट नहीं हो पाता, मतलब मैं कभी कभी ना स्टोरीज पे ऐसे देखती हूँ कि आए हैं व्यूज, ओके मैं स्क्रॉल करती हूँ कुछ किसने देखा है किसने देखा है, बट समहाउ मेरे को ऐसा होता है यार ओह हो गया और नहीं देख पाऊंगी, किसने देखा है नहीं देखा ओके बंद कर दो. तो बट हाँ यूट्यूब पर जैसे मैं देखती हूँ कि किसने देख लिया, किसने कमेंट कर लिया, मतलब किसने कमेंट कर दिया और क्या कमेंट किया है, कितने व्यूज आ गए, तो वो मैं उस पर नोटिफाई करती रहती हूँ, मतलब देखती रहती हूँ. तो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, हाउ टू जनरेट इनकम फ्रॉम यूट्यूब. ओके,
सो गाइज, दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि आप जो पैसे कैसे कमा सकते हो यूट्यूब से. मुझे भी नहीं पता था, आई डिड नॉट नो अबाउट दिस. कुछ टाइम तक मुझे ऐसा लगता था लोग बस यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, मस्ती हो रही है भाई, हम लोग भी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, हो गया डन बस. बट ऐसा नहीं है. मुझे पता चला ना कि यार यूट्यूब से भी लोग पैसा कमा रहे हैं. आई वॉज लाइक ओके शिट मैन, हम पीछे क्यों रह जाते हैं. मतलब मैं जब टिकटॉक पे थी ना, आई वॉज लाइक यार हम टिकटॉक पे जब वायरल हो रहे हैं तो हमारा टिकटॉक बंद हो गया. हम टिकटॉक पे आए लेट जब तक लोग आधे वायरल हो चुके थे. इंस्टाग्राम पे फिर हमने रील्स बनाना स्टार्ट ही नहीं किया क्योंकि आई वॉज नॉट इन इंडिया, मैं अफ्रीका चले गई थी. देन वहां से जब आए, जब बनाना स्टार्ट किया तब इंस्टाग्राम का भी पैरा मतलब इतना ऊपर लेवल पहुंच गया. यूट्यूब पे व्लॉग्स डाल के लोगों ने घर गाड़ी खरीद लिए, मैं अब बना रही हूँ. आई एम टू लेट फॉर एवरीथिंग गाइज, बट येस यू कैन जनरेट मनी फ्रॉम दिस. हाउ? तो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है यूट्यूब पे व्यूज का एंड सब्सक्राइबर्स का, तो वो अगर आप फुलफिल कर लोगे तो येस आप यूट्यूब से पैसा कमा पाओगे. वो क्राइटेरिया बताऊंगी बाद में, रुक जाओ जरा. हाउ डू यू नो विच टाइप ऑफ कॉन्टेंट वर्क्स? ओके, सो जब आप वीडियो बनाते हो आपको कैसे लगता है, कैसे समझ आता है कि वो कॉन्टेंट आप जो बना रहे हो, कि मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेंट्स बनाते हो. अब आप मेरे शॉर्ट्स देखोगे ना, तो मैं अपना वॉक वीडियोस बना रही हूँ, पहले मैं नानों के साथ बना रही थी, कभी ऑस्कर के साथ वीडियोस होते हैं, या फिर मेरी कुकिंग के मैं जो शॉर्ट्स डालती हूँ. तो समहाउ आई फील कि मेरे जो व्यूज है वो कौन से जा रहे हैं. आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करते हो बट यू गेट टू नो कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो क्या देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके उसी वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएंगे. एंड देन अगेन आप सेम वही कॉन्टेंट का वीडियो दोबारा डालोगे, फिर आपको लगेगा यार इस पे फिर से व्यूज अच्छे आ गए हैं. तो फ्रॉम देयर यू गेट टू नो कि आपके चैनल पे आप क्या ज्यादा दिखाओगे जिससे आपको ज्यादा व्यूज आएंगे. तो मुझे जैसे अगर मैं रील्स बनाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो खाने की रील बना रही हूँ, दो आई एम नॉट अ कुक, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, आई एम नॉट अ शेफ. जो मैं घर पे नॉर्मली बनाती हूँ तो मेरे को लगता है कि वही ऐसा अगर मैं ज्यादा शॉर्ट्स डालूंगी तो मेरी वीडियोज चलेंगे का, और वॉइस ओवर में डालूंगी तो वो ज्यादा चलेंगे और मेरे चल जाते हैं, मतलब अच्छे व्यूज आ जाते हैं. तो ऐसे आपको समझ आएगा कि आपका चैनल पे क्या कंटेंट आप डालो जिससे ज्यादा व्यूज आए. सो ओके, आज का आई गेस बहुत ज्यादा ही हो गया है. एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. हाउ टू गेट न्यू इजीयर फॉर व्लॉग, हाउ टू कन्विंस फैमिली इफ दे आर अगेंस्ट इट. ओके, एक और क्वेश्चन है ये, बहुत भाई बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बाय द वे. हाउ टू कन्विंस फैमिली इफ दे आर अगेंस्ट इट. गाइस इनिशियली ना ये सारे पेरेंट्स को क्योंकि समझ नहीं आता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैमरे के आगे फोन के आगे लेके बैठ गए हैं, बस बक बक कर रहे हैं, एंड हाउ दे डोंट नो कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इनकम इज लाइक आपका या तो बिजनेस है या फिर आप जॉब कर रहे हो, तो वहीं से पैसा आ रहा है, राइट. बट व्हेन दे गेट टू नो अबाउट इट कि भाई उससे ज्यादा पैसा आप यूट्यूब से कमा सकते हो, जितना आप पूरा महीने का एक सैलरी ले रहे हो उससे डबल ट्रिपल सैलरी आप फोन यहीं पे घर पे बैठे बैठे आप वीडियोस बना के फुल डे का एक वीडियो जिसको 15 या 20 मिनट के लिए आप दिखाते हो, या फिर आप कोई ऐसा कंटेंट ले रहे हो जैसे लोग रोस्ट करते हैं, या फिर कोई कुकिंग क्लासेस कर रहा है, या फिर कोई डांस का सिखा रहा है, तो वो आप 2-4 घंटे का वीडियो डाल का मेहनत आपको उससे ज्यादा पैसा दे रहा है. वन सेकेंड, मुझे लगा कि भाई कुछ आ गया, मतलब मैसेज आ गया तो शायद नहीं वीडियो कर लिया. हाँ, तो इसीलिए हमारे घर वालों को ना लगता है कि जॉब से पैसा होता है, जॉब ही है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं पता है. और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चे बिगड़ जाएंगे बिकॉज हमारे पेरेंट्स सोचते हमारे लिए, हम भी अपने हमारे बच्चों में हम भी नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ चीज़ दिखाएं अपने बच्चों को. बट हमारे पेरेंट्स को लगता है फोन में ज़्यादा लगे रहना या ज़्यादा टीवी देख रहे इज नॉट गुड फॉर किड्स. एंड हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे पेरेंट्स के लिए हम छोटे बच्चे ही रहते हैं अभी तक भी. दो मेरा 30+ एज है गाइस, यू नो आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं. सो इतना बड़ा होने के बाद भी घर वालों को ऐसा होता है कि नहीं इसको अकल नहीं है, ये बच्ची है, इसका दिमाग खराब है. सो दैट्स हाउ पेरेंट्स आर एंड दैट्स हाउ वी आर. बट एनीवेज देयर वाज अ फन क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं. तो दूसरा मेरे को लगता है कि मुझे 2 पार्ट में बना देना चाहिए. ऑलरेडी 15 मिनट्स का आई गेस ये व्लॉग हो चुका है, तो यहाँ पे ये वाला तो हम क्वेश्चन आंसर राउंड खत्म करते हैं. हम मिलेंगे आपसे दूसरे व्लॉग में.
पार्ट वन, दिस इज द पार्ट वन. हम मिलेंगे आपको पार्ट टू में. हाँ मतलब मैं मिलूंगी पार्ट टू में गाइस. जैसे अगर भूख लगे खाना नहीं खाया तो वो भी खा लेती हूँ. तो करते हैं यहाँ पे वाली बार व्लॉग एंड. आपको करना है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. डिस्क्रिप्शन पे इज आवर लिंक. एंड ऑफ कोर्स आपको इंस्टाग्राम से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हो. ये सारे तो यूट्यूब वाले चैनल वाले हैं, लोगों ने वैसे पूछा है वो मैं आपको बताऊंगी. चलो बाय, गुड नाइट, टू डेज़ के चेंज यू, आई लव यू.